गौरी लंकेश की हत्या का एक महीना हो गया, हम ये तो नहीं जानते कि उनकी हत्या किसने करी, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि उनकी हत्या पर जश्न कौन मना रहा है, कौन उसको सेलिब्रेट कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन प्रधानमंत्री से मिल रहा है, उनको प्रोत्साहन और मंत्रियों से मिल रहा है सरकार के, उनको प्रोत्साहन भाजपा के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं, और साथ में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि लोगों को गाली भद्दी भद्दी गाली देना, लोगों को थ्रेट्स देना कि हम आपका रेप कर देंगे, हम आपको मार देंगे, लोगों के ऊपर मारपीट करना, जो कि कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी यही कि आप लिबरल हैं इसके नाम पर, कि कभी कि आप रैशनलिस्ट हैं उसके नाम पर, ये सब जो प्रक्रिया चल गई है ये पूरे फांसीवाद के संकेत हैं। सरदार पटेल ने गोलवालकर को कहा था कि गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है, ये सीधे सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी हत्या के लिए एक जहरीला माहौल आरएसएस ने बनाया था, ये सरदार पटेल ने कहा, जिसके चलते गांधी की हत्या हुई। तो वह जहरीला माहौल अभी भी मौजूद है, अंसारे की हत्या उसी माहौल के चलते हुई, दाभोलकर की हत्या उसी की वजह से हुई, कई लोगों पर हमला उस वजह से हो रहा है, गौरी की हत्या भी उसी वजह से हुई। तो अगर हम उन भाड़े के हथियारों को पकड़ भी लें तो क्या हम पता कर पाएंगे कि वास्तव में हुक्म किन लोगों ने दिया था? क्योंकि इस देश में एक ऐसी ताकत है जो माहौल तो बनाती है लेकिन जब कार्रवाई हो जाती है तो उसका जिम्मा कभी नहीं लेती है। Aim behind having such a protest over here. Several organizations have come together to express dissent because we are at a juncture in the country where dissenting voices are being curbed. They are being killed, brutally killed. And it is definitely the question of Gauri Lankesh, a very loud voice against the Hindutva fascist terror which we are facing at this juncture in the country. But it is not just the question of Gauri Lankesh. Well, there are multifarious attacks in the country. Democratic institutions are being sabotaged. They are being hit. The government is actually hitting below their belt everybody. In this 1 month, all that we have seen is the Prime Minister is silent, the intimidations have continued, जो घटिया किस्म के सेलिब्रेशन से दे हैव कंटिन्यूड, बट द गुड पार्ट इज द रेजिस्टेंस टू हैज कंटिन्यूड एंड वी नीड टू कम आउट एंड सॉर्ट ऑफ से दैट इनफ इज इनफ। आई मीन इट्स इफ यू डोंट कम आउट नाउ, आई मीन दे ऑलरेडी हैव मेनी लिस्ट एंड दे ऑलरेडी वांट टू सॉर्ट ऑफ इंटिमिडेट अस इनटू साइलेंस। आई मीन राइट नाउ द चैलेंज इज टू गिव देम अ काउंटर मैसेज दैट वी आर नॉट इंटिमिडेटेड एंड ऑल दोस क्वेश्चंस दैट वी रेज दैट गौरी रेज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू रेज देम। वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट हाउ गौरी वॉज किल्ड, but it's also very important to remember how Gauri lived, the ideas that she upheld, and the true legacy, to the true tribute to the legacy of Gauri Lankesh will be to continue the fight for those ideas.